वेलकम बैक टू माई चैनल। ये वीडियो क्लास ट्वेल्थ के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो भी अभी क्लास ट्वेल्थ में आए हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग हिंदी कोर से चैप्टर नंबर 8 को आज कंटिन्यू करेंगे, जिसके लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी है और कविता का नाम क्या है, बारहमासा है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में फुल चैप्टर समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपके साथ वाइवा के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगी और इसके बाद हम समरी डिस्कस करेंगे, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को। देन ये वीडियो देखने के बाद ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप लोग ना कर पाएँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जन्म जानना ज़रूरी है, मलिक मोहम्मद जायसी का कब हुआ, 1492 में हुआ। स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान रखेंगे कौन से राज्य में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, मिजाइस ग्राम में हुआ। उनके गांव का नाम क्या है, जायस नाम है। तो यहाँ से वाइवा क्वेश्चन क्या बनता है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब और कहाँ हुआ। आई होप आप लोग इसे याद रखेंगे। जीवन परिचय शुरू होता है कि जायस में रहने के कारण जायसी कहलाए, क्योंकि जहाँ वो रहते थे स्टूडेंट्स, उनके ग्राम उनके गांव का नाम क्या था, जायस था, इसलिए उनका नाम क्या कहलाया, जायसी कहलाया। हिंदी साहित्य में मलिक मोहम्मद जायसी का नाम प्रसिद्ध है। आप याद रखेंगे कि हिंदी साहित्य में ये काफ़ी फेमस है, ऑब्वियसली ये कविताएँ लिखते हैं तो ये हिंदी साहित्य में ही फेमस होंगे। ये भक्ति काल के निर्गुण, अब ये निर्गुण क्या है, जिसमें काफ़ी सारे गुण भरे हुए होते हैं, शक्ति धारा के सूफी शाखा के प्रतिनिधि कवि है, यानी इन्होंने सूफी शाखा को रिप्रेजेंट किया है। ये शारीरिक दृष्टि से कुरूप थे, यानी जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर था वो ठीक नहीं था, बेसिकली इनका जो शरीर था वो आधा टेढ़ा था। अब यहाँ से रचना शुरू होती है। स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे इनके टोटल 12 ग्रंथ बताए जाते हैं रचनाओं के, लेकिन अभी तक 7 ही उपलब्ध है। अब उन 7 के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि वाइवा क्वेश्चन बनता है कि मलिक मोहम्मद जायसी के 7 रचनाओं यानी 7 प्रमुख रचनाओं के नाम बताएं। तो जो महाकाव्य है उनका, जो काफ़ी फेमस है, वो है पद्मावत। तो पहली रचना आप याद रखेंगे महाकाव्य से, दूसरी है अखरावट, तीसरी है आखिरी कलाम, देन फोर्थ है चित्ररेखा, फिफ्थ है कहरनामा, मसलनामा और कनरावत। तो स्टूडेंट्स, आप ये 7 रचनाएं याद रखेंगे जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है आपके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको रचनाएं समझ में आई होंगी, ये इनकी रचनाओं के नाम हैं। आगे बढ़ते हैं, साहित्यिक परिचय शुरू होता है कि जायसी सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। आप याद रखेंगे कि ये सूफी संत काव्य यानी मुस्लिम धारा के क्या हैं, प्रमुख कवि हैं। प्रसिद्ध का आधार पद्मावत महाकाव्य है, यानी जो इनका फेमस होने का रीज़न है वो इनका महाकाव्य है जिसका नाम पद्मावत है। मैं ये वाला महाकाव्य इनका काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी फेमस है। तो आप इनके प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम याद रखेंगे पद्मावत। ये एक आध्यात्मिक काव्य है यानी ना भटकने वाली कविता। अब स्टूडेंट्स, यहाँ बहुत ध्यान से सुनेंगे, लौकिक कथा के माध्यम से अलौकिक कथा का उल्लेख है, यानी सुपर नेचुरल से जो क्या है, नेचुरल है, उसके माध्यम से कहाँ तक, ब्रह्मांड तक। तो आप याद रखेंगे लौकिक कथा के माध्यम से यानी ईश्वर की प्राप्ति से कहाँ तक, ब्रह्मांड तक। तो इस कथा का क्या है, इसके अंदर उल्लेख है। समन्वय शैली में लिखी रचना है, यानी इसके अंदर मिश्रित हिंदी का इस्तेमाल हुआ है। यह हिंदू और मुस्लिम काव्य शैली का समन्वय है। तो दो शैली है इसके अंदर, हिंदू शैली और मुस्लिम शैली, इसलिए इसे ऊपर समन्वय शैली यानी मिश्रित हिंदी बोला गया है। आप याद रखेंगे दो शैली है, हिंदू और मुस्लिम। तो अब बोला गया है कि पद्मावत में जो रतन सेन है स्टूडेंट, जो राजा है, वो आत्मा का प्रतीक है, और जो पद्मावती है वो और जो पद्मावती है
वो परमात्मा का प्रतीक है, आप याद रखेंगे। और जो हीरामन तोता है वो गुरु का प्रतीक है। और जो नागमती है, नागमती सांसारिक यानी वर्ल्ड की मोमाया का प्रतीक है, आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स। जो रतन सेन है वो आत्मा का, पीस का। और जो पद्मावती है वो परमात्मा का प्रतीक है। और जो हीरामन तोता है वो गुरु का। और लास्ट में जो नागमती है वो वर्ल्ड की मोमाया का प्रतीक है। तो आप ये छोटे पॉइंट्स याद रखेंगे, जब ही आपको चैप्टर क्लियर होगा। आगे पढ़ते हैं, भाषा शैली आम बोल चाल की लोक प्रचलित अवधि भाषा। तो बेसिकली आम बोल चाल की भाषा का यूज़ हुआ है। फारसी की मसनवी शैली यानी मिश्रित हिंदी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अलंकार दे रखे हैं। जब हम सप्रसंग व्याख्या समझेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। अनुयोक्ति क्या है, समास, योक्ति, उत्प्रेष, उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकार। इसके साथ यहाँ पर करुण व श्रृंगार रस यानी बिछड़ने का और मिलन का, दोनों संयोग व वियोग का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया है ये गंभीर भाव है इमोशन से। तो इनकी मृत्यु आप याद रखेंगे कब हुई, 1542 में इनकी मृत्यु हुई। तो वाइवा से क्या क्वेश्चन बनता है, इनकी मृत्यु कब हुई, तो आप उसे याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से पाठ परिचय शुरू होता है। 12 मासा स्टार्ट करते हैं। जैसे द्वारा रचित महाकाव्य, आप नाम याद रखेंगे महाकाव्य की, जो इनकी क्या है फेमस कविता है वो पद्मावत है। उसमें नागमती वियोखंड का एक भाग है, यानी जो नागमती है उनको बिछड़ने की अवस्था में दिखाया गया है, मिलन की पीड़ा में कि उन्हें मिलना है। इसमें नागमती के वीरे का वर्णन है, यानी मिलन की तड़प को दिखाया गया है। नागमती चित्तौड़ के राजा रतन सेन की पत्नी है। आप लोग याद रखेंगे कि नागमती जो है वो चित्तौड़ के राजा, जिनका नाम क्या है रतन सेन है, उनकी पत्नी है। कौन है, नागमती है। वो राजा सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की सुंदरता पर मुग्ध हो गए। अब जो राजा सिंहल द्वीप है उनकी भी राजकुमारी है, जिनका नाम क्या है पद्मावती है। तो ये उनकी सुंदरता पर क्या हो गए, रतन सेन मुग्ध हो गए यानी आकर्षित हो गए। और अब वो उससे शादी करने के लिए नागमती को छोड़कर चले जाते हैं। वो पद्मावती के पास चले जाते हैं। किसे छोड़ करके, नागमती को छोड़ करके। तो स्टूडेंट्स आगे बोला गया है कि राजा को पद्मावत के बारे में किसने बताया है। अब आप याद रखेंगे कि राजा को पद्मावती के बारे में हीरामन तोते ने बताया है। अब ये हीरामन तोता कौन है, हीरामन तोता जो है वो पद्मावती का तोता है। इस काव्य में कवि ने लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति दी है, यानी स्टूडेंट्स सुपर नेचुरल से यानी ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया है। आप याद रखेंगे प्रेम द्वारा ईश्वर प्राप्ति पर बल दिया गया है, यानी हम प्रेम द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, सुपर नेचुरल यानी लौकिक प्रेम। आगे बढ़ते हैं, यह रतन सेन आत्मा का प्रतीक है, आप लोग याद रखेंगे। और जो गुरु है वो हीरामन तोता है। तो वो अपने ज्ञान द्वारा, जो हीरामन तोता है वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए पद्मावती। अब ईश्वर इसमें किसे बताया गया है, पद्मावत को बताया गया है कि जो गुरु है हीरामन तोता है वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए यानी लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम यानी वो पद्मावत की तरफ चल देता है। परंतु ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बहुत कठिन है। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि जो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है वो बहुत कठिन है, यानी गुरु हीरामन तोता के लिए, और ईश्वर की प्राप्ति यानी वो पद्मावती पर चल देता है पद्मावती के प्राप्ति के लिए। किंतु क्या होता है, मार्ग में सांसारिक मोह माया नागमती रास्ता रोकने का प्रयास करती हैं। जो नागमती हैं जो रतन सेन की पत्नी है, क्योंकि रतन सेन पद्मावती की तरफ आकर्षित हो गए तो वो उसे रोकने का प्रयास करती है सांसारिक मोह माया। आप याद रखेंगे कि नागमती को सांसारिक मोह माया यानी उन्हें रुकावट बताया गया है। इस काव्य पर हिंदी और फारसी की मसनवी शैली का प्रभाव दिखाई देता है स्टूडेंट्स, यानी मिश्रित हिंदी है।
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्रसंग व्याख्या आपको दे दी जाती है, प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। अगेन देवस, घटा, तेज, धुआं, हम लोग, ये 3 to 4 मार्क्स को कवर अप करता है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम यहाँ कवि का नाम लिखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, फिर कविता का नाम लिखते हैं पद्मावत, जो महाकाव्य से प्रसिद्ध महाकाव्य से लिया गया है बारहमासा। सदर में क्या लिखा जाता है स्टूडेंट्स कि कवि क्या कहना चाहते हैं, तो आप लोग लिखेंगे इसमें कवि ने नागमते के वीरा का वर्णन किया है, यानी मिलने की तड़प का, जिससे उसका पति पद्मावत से शादी करने के लिए उसे छोड़ करके चला गया है। इसलिए स्टूडेंट्स नागमते को क्या गया है, सांसारिक मोहमाया रुकावट बताया गया है। आगे पढ़ते हैं। अब व्याख्या दे रखी है कि कवि नागमती के माध्यम से अगहन मास स्टूडेंट्स ये 8वां 9वां महीना होता है नवंबर दिसंबर का, और आप याद रखेंगे ये एग्ज़ाम में 3 मार्क्स को कवर अप करता है। तो जो कवि है स्टूडेंट्स वो अगहन मास में क्या करते हैं, वीर वेदना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इस महीने में क्या होता है, दिन छोटे और रातें कैसी होती हैं, लंबी होती हैं, जिसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स कि नागमती की जो विरह है यानी जो नहीं मिलने की तड़प है वो और भी लंबी हो गई है। इस विरह में रात दिन वो ऐसे जलती है जैसे दीपक में बातें जल रही है, आपने देखी होगी, तो ऐसा ही उनको बताया गया है कि सर्दी में उसके लिए वीर वेदना कैसी है, यानी इस तड़प को सहना कैसा है, असहनीय है, जिसे सहन ही नहीं किया जा सकता। घर घर में सब सर्दी से बचने के लिए गर्म वस्त्रों की तैयारी करते हैं, यानी लोग सर्दी से बचने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कपड़े सिलवाते हैं, पर नागमती को तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि उनका पति उन्हें छोड़ करके चला गया है पद्मावती के पास। वे श्रृंगार नहीं करती हैं, यानी वो तैयार नहीं होती हैं, क्योंकि उसे लगता है कि जो उसका रंग रूप है, उसका सौंदर्य है, वो उसके पति के साथ चला गया है, क्योंकि उनका पति उनके पास नहीं है। और बताया गया स्टूडेंट्स कि उसका पति उसे एक बार छोड़कर ऐसा गया है कि वो वापस नहीं आया। यदि वे वापस आ जाता है तो वो खुशियाँ, उसका रूप सौंदर्य भी वापस आ जाएगा, यानी जब वो श्रृंगार करेंगे, जब उनका पति वापस आ जाएगा, सर्दी भी उसके वीरे के अग्नि को शांत करने की बजाय उल्टा और बढ़ा रही है। अब सर्दी को बताया गया है संकेत लेते हुए स्टूडेंट्स कि जो सर्दी की अग्नि है आगे वो उनकी पीड़ा को, उनके दुख को शांत करने के बजाय क्या कर रही है, उल्टा बढ़ा रही है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, चारों तरफ शांति होती है। तो बोला गया है वे वीरे में ऐसी जल रही है जैसे लकड़ी धीरे धीरे सुलगती है, यानी वो पिछड़ करके सुलग रही है, और उनका जो ये दुख है उसका पति नहीं जानता। क्यों नहीं जानता स्टूडेंट्स, क्योंकि वे उसका युवन रूपी जीवन भस्म कर रहा है, तो उसको नहीं पता है कि वो इतनी ज़्यादा दुख है। आगे बोला है कि नागमती भंवरे और कौवे, स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे कि वो भंवरे और कौवे के थ्रू क्या करती हैं, अपने पति को संदेश भेजती हैं कि यदि तुम्हें रास्ते में मेरा पति मिले तो उससे कहना कि उनकी पत्नी वीरा में जल जल कर मर रही हैं, यानी वो इतनी ज़्यादा दुख है कि वो जल जल कर मर रही हैं। तो ये संदेश वो किससे भिजवाती हैं, भंवरे और कौवे से, उसके शरीर से जो वीरे की आगे निकल रही है, यानी जो मिलन की तड़प की आग निकल रही है, उसने हम सबको भी, यानी उससे हम सब भी काले पड़ गए हैं। तो ऐसा वो किसके थ्रू कहलवाती हैं, भंवरे और कौवे के माध्यम से। आप याद रखेंगे स्टूडेंट इस पैरे पर, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से काव्य सौंदर्य शुरू होता है जो 2 से 3 मार्क्स कवर अप करता है। नागमती की वीर वेदना का मार्मिक चित्र है, यानी उनके मिलन के तड़पन को रिप्रेजेंट किया गया है। अब स्टूडेंट्स ये अनुप्रास अलंकार है, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब भी किसी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। अब जैसे दुबुर में भी दा है, दुख में भी दा है, तो ये एक वर्ड हो गया दुबुर दुख, की में काली है तो इसमें भी क्या है, काका है, रा दे रखा है, रूप में भी रा है, रंग में भी रा है, दुख दग दे रखा है, दा और दा दे रखा है, तो यानी इसमें शब्द की जो आवृत्ति है वो बार बार हो रही है, तो आप याद रखेंगे ये अनुप्रास अलंकार है।
जरे बिरे जयो दीपक भाती में उत्प्रेक्ष अलंकार है। जहाँ भी आप लोग इन्वर्टेड कोमा को देखेंगे वहाँ आप उत्प्रेक्ष अलंकार को लिखेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, भाषा लिखनी कंपलसरी है, आप याद रखेंगे ये अवधि भाषा है। छंद आप याद रखेंगे ये दोहा चौपाई है, यानी इसके अंदर दोहा चौपाई के अंदर जो मात्राएँ होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। आगे पढ़ते हैं, शैलियाँ आप याद रखेंगे, उदाहरण और चित्रात्मक है, यानी एक चित्र रिप्रेजेंट हो जाता है आंखों के सामने। रस दे रखा है, रस आप याद रखेंगे वियोग श्रृंगार है, यानी इसके अंदर नागमती के मिलन के तड़प की अवस्था को दिखाया गया है। बेसिकली जहाँ पर भी बिछड़ने की बात होती है वहाँ हम वियोग श्रृंगार लिखते हैं, और जहाँ मिलन की बात होगी वहाँ संयोग श्रृंगार आता है। आगे पढ़ते हैं, आगे दे रखा है फारसी की मसनवी शैली का प्रयोग। स्टूडेंट्स, यानी मिश्रित हिंदी का यहाँ पर यूज़ किया गया है। आप याद रखेंगे कि जो सूफी संत कवि होते हैं तो जो वो कविताएं लिखते हैं उनमें मिश्रित हिंदी का वो यूज़ करते हैं। आगे पढ़ते हैं, ये दूसरी सप्रसंग व्याख्या शुरू होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग टिक करेंगे। तो बोला गया है फागुन भवन जकोरे कन धरे जहाँ पाऊँ। तो सबसे पहले हम लोग प्रसंग में क्या लिखते हैं, कवि का नाम आप लोग लिखेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी। फिर लिखा जाता है कविता का नाम, तो जिसमें आप लोग लिखेंगे कि महाकाव्य की फेमस पद्मावत से बारहमासा। बेसिकली कविता का नाम लिखा जाता है, ये महाकाव्य से लिया गया एक प्रसिद्ध काव्य है, कविता है पद्मावत। सदर में क्या लिखा जाता है कि बेसिकली कवि क्या कहना चाहते हैं। तो बोला गया स्टूडेंट्स कि इसमें कवि ने फागुन मास में, आप याद रखेंगे कौन से मास की बात की गई है, फागुन मास की, जिसमें दिन छोटे और रातें कैसी होती हैं, लंबी। तो नागमती के वीरे वेदना यानी मिलन की तड़प का मार्मरिक चित्रण किया है स्टूडेंट्स, यानी रिप्रेजेंट किया है। व्याख्या अगेन 2 से 3 मार्क्स को कवर अप करती है। तो व्याख्या में आप लिखेंगे कि नागमती अपनी वेदना का यानी मिलन की तड़प का वर्णन करते हुए क्या कहती हैं कि फागुन मास में जो हवाएं होती हैं, तेज़ और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसमें सर्दी क्या होती है और भी ज़्यादा 4 गुना बढ़ जाती है, यानी उनके मिलने के तड़पन को वो और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो वो वियोग के कारण वो कैसी हो गई हैं, बहुत कमज़ोर हो गई हैं और पीली पड़ गई हैं वियोग की वजह से, जिसमें इस माह में चलने वाली तेज़ हवाएं भी उनसे सहन नहीं हो पा रही है, यानी उनकी जो स्थिति है वो इतनी ख़राब हो गई है कि हवाएं भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। प्रकृति में पुराने पत्ते गिर गए हैं, जो नेचर है उसके जो पुराने पत्ते हैं वो गिर गए हैं, और ढाक के वन जो है वो पत्ते रही थे, जो ढाक के जंगल होते हैं जो उनके पेड़ हैं वो बिल्कुल सूखे पड़े हैं, उसमें कोई पत्ता नहीं है। वहीं दूसरी ओर पेड़ों पर नई कोपले फूट रही है, जो आपने देखी होंगी कि पीले रंग की गिरती हुई नए पत्ते, और जिन पर स्टूडेंट्स क्या रहे हैं, नए पत्ते और फूल आ रहे हैं। तो आगे बोला गया स्टूडेंट्स के चारों ओर वनस्पति और लोगों में क्या हो गए हैं, फिर से उल्लास भर गई है, क्योंकि जो पत्ते हैं उनके ऊपर नए नए पत्ते आ गए हैं, फूल खिल गए हैं, तो लोगों में क्या भर गया है, उल्लास भर आया है। तो सब इस मास में आनंद के कारण चाचर पाके माह में केवल दंपत्ति द्वारा किए जाने वाले नृत्य यानी डांस खेल रहे हैं, क्योंकि पेड़ों पर क्या गए हैं, पत्ते आ गए हैं, तो लोग कैसे हो गए हैं, उल्लास से भरे हुए हो गए हैं और वो खेल रहे हैं। परंतु जो नागमती हैं, नागमती को ये सब दुख दे रहा है, क्यों, क्योंकि वो मिलने की तड़प को सह रही है, क्योंकि जो उसका पति है वो उसके साथ नहीं है। आप लोग याद रखेंगे स्टूडेंट्स, यानी अतः वो किसके साथ होली खेलेंगी। वे कहती हैं कि यदि उसके प्रेम को उसके वीरे में इस प्रकार चलना अच्छा लगता है,
तो नागमती यहाँ पर कह रही है स्टूडेंट्स कि उसके प्रेम को, उसके प्यार को, यानी उनके पति को इस प्रकार उनका जलना अच्छा लगता है मिलन की तड़प में। तो वो कहती है कि वो तो उसकी खुशी के लिए उन्हें कोई भी शिकायत नहीं है, अगर उनके प्रेमी को, उनके पति को ये सब अच्छा लगता है तो उन्हें कोई भी शिकायत नहीं है, इवन वो खुश हैं। तो ऐसे वीरा में वे मर जाएंगी मिलने की तड़पन में, बस उसकी ये एक अंतिम इच्छा है। तो नागमती अपने स्टूडेंट्स अंतिम इच्छा को प्रकट करती हैं कि उसका पति कहाँ है, वे मरने से पहले एक बार उसके हृदय से लगना चाहती हैं। तो उन्हें कोई भी शिकायत नहीं है कि अगर जो जो उनका प्रेमी है वो उनको वीर वेदना में उसे खुशी मिलती है तो वो इस बात में भी खुश हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया है उसकी एक इच्छा बची है कि इसका शरीर वीरे की अग्नि से जलकर राख बन जाए, जो यानी मिलने की तड़प, अग्नि मीन्स क्या होता है, आग होता है, तो वो उस आग से जल करके राख बन जाए और उसका शरीर जो है वो रूपी राख को पवन उड़कर उस मार्ग में डाल दे। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि वो अपने राख को कह रही है वो पवन उड़ाकर जो है वो उस रास्ते में डाल दे जहाँ उसके पति चरण रखे। तो इस प्रकार वे अपने पति को स्पर्श कर लेंगी जब वो जलकर राख बन जाएंगी वीर वेदना में। स्टूडेंट्स काव्य सौंदर्य शुरू होता है जो 3 मार्क्स को कवर अप करता है। तो अगेन आप लोग लिखेंगे कि नागमती की वीर वेदना यानी मिलने की तड़प कर उसको रिप्रेजेंट किया गया है। भाषा आप याद रखेंगे अवधि है, छंद अगेन दोहा चौपाई है, दोहा चौपाई यानी जो मात्राएं हैं उनका लिमिटेड यूज़ किया गया है। रस वियोग श्रृंगार है क्योंकि बिछड़ने की सिचुएशन को दिखाया गया है। अलंकार आप याद रखेंगे यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का, उपमा और रूपक अलंकार का इस्तेमाल हुआ है। प्राकृतिक प्रेम का सजीव चित्रण है यानी प्रकृति से प्रेम का जो है यहाँ पर चित्रण भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो प्रेम की उत्सर्ग भावना यानी इमोशंस का भी यहाँ पर भाव है, आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स काव्य सौंदर्य जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हम लोग स्टडी करेंगे जो एग्ज़ाम में 3 मार्क्स को कवर अप करता है। तो बोला गया है रक्त धरा मानसु आई समेट हूँ पंख, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भाव सौंदर्य में आप लोग क्या लिखेंगे कि कवि ने नागमती की वीर वेदना का यानी मिलने की तड़प को क्या करा है, रिप्रेजेंट किया है, उसका मार्मिक चित्रण किया है। वीरे में उसका सारा रक्त जो है वो आंसू बनकर बह रहा है, रक्त मीन्स खून, तो सारा मांस गलकर गिर रहा है और हड्डियाँ सूखकर जो है वो शंख के समान यानी ढांचा हो गई हैं, अर्थात वे मृत्यु को प्राप्त होने वाली है क्योंकि उनका सारा मांस गल गया है, रक्त जो है उनका खून है वो आंसू बनकर बह गया है। तो वे सारस पक्षी के समान मरने से पहले एक बार अपने पति से मिलना चाहती हैं, यानी उनकी अंतिम इच्छा को बताया गया है कि वो मरने से पहले एक बार अपने पति से मिलना चाहती हैं कि उसका पति सारस बनकर आए और उसे संभाल ले। तो उसे पक्षी की भांति उनके पति को बताया गया है सारस की तरह। तो स्टूडेंट्स इसके बाद शिल्प सौंदर्य शुरू होता है जिसमें आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले कवि का नाम लिखते हैं, चायसी, फिर कविता का नाम, बारहमासा भाषा लिखते हैं, अवधि भाषा है, शैली आप याद रखेंगे मसनवी है यानी मिश्रित हिंदी है, रस वियोग श्रृंगार है वही कि बिछड़ने की अवस्था को दिखाया गया है, छंद आप लोग याद रखेंगे, दोहा चौपाई है यानी इसके अंदर मात्राओं का लिमिटेड यूज़ है, अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार भी है यानी ऐसे वर्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे जिसके बीच में ऐसे करके दे रखा होगा, छंद कविता तुकांत यानी बेसिकली राइम है, तुकांत को हम क्या कहते हैं, राइम, गुणा भी याद रखेंगे माधुरी है, मेलोडी जिसे हम कहते हैं, शब्द चयन तत्सम तद्भव यानी हमें सेम वर्ड भी देखने को मिलेंगे और अलग अलग वर्ड भी देखने को मिलेंगे, तत्सम मतलब सेम, तद्भव मीन्स डिफरेंट, एंड देन सार दे रखा है कि लौकिक के माध्यम से अलौकिक का वर्णन यानी सुपर नेचुरल से कहाँ तक, ब्रह्मण तक यानी भगवान की प्राप्ति से लेकर के ब्रह्मण तक यानी ईश्वर की प्राप्ति पर बल दिया गया है। स्टूडेंट्स सेकेंड यहाँ से भाव सौंदर्य शुरू होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें दे रखा है नेम जो वी डैश सर चीड़,
तो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में 3 मार्क्स कवर अप करता है। आपको ऐसे लाइन्स दे दी जाती हैं जिसे आप पूरा एक्सप्लेन करके लिखते हैं। स्टार्ट करते हैं। नागमती वियोग में तड़प रही है, यानी वो मिलने के लिए तड़प रही है अपने पति से। वे अपने पति को दिन रात याद करते हुए रोती रहती हैं। उसकी आँखों से जो आंसू हैं वो ऐसे टपक रहे हैं जैसे माघ के महीने में होने वाली वर्षा। तो आप याद रखेंगे कि नागमती के आंसुओं को ऐसा बताया गया है कि जैसे माघ के महीने में क्या होता है, वर्षा होती है, बारिश होती है, जिसे क्या कहा जाता है, माहुट बोला जाता है। ये वर्षा उसे शीतलता देने की बजाय, यानी उसे शांत करने की बजाय, उसके विरह की ओर बढ़ रही है, यानी उसके दुख को और भी ज़्यादा बढ़ा रही है, मिलने की तड़पन को, अर्थात उसे अपने, यानी सर्दियों में उसे अपने पति की और भी अधिक याद आने लगी है। आई होप स्टूडेंट्स भाव सौंदर्य भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगेन शिल्प सौंदर्य शुरू होता है, भाव सौंदर्य के बाद शिल्प सौंदर्य लिखा जाता है अगर क्वेश्चन में बोला गया होता है। तो कवि जायसी है, कविता 12 मासा, भाषा अवधि है शैली मसनवी स्टूडेंट्स, यानी मिश्रित हिंदी है। रस आप लोग याद रखेंगे, वियोग रस यानी बिछड़ने की अवस्था को दिखाया गया है। छंद 2/4, यानी जो मात्रा है वो कैसी है, सीमित है, लिमिटेड है। अलंकार, इन सब अलंकार का इस्तेमाल किया गया है, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति और अनुप्रास अलंकार का। छंद आप याद रखेंगे तुकांत, यानी ये एक राइम है। गुण आप याद रखेंगे माधुर्य है, मेलोडी है। शब्द चयन यानी इसमें सेम वर्ड्स का भी यूज़ हुआ है और अलग अलग वर्ड्स का भी यूज़ हुआ है। सार लौकिक के माध्यम से अलौकिक, यानी सुपर नेचुरल से कहाँ तक, ब्रह्मांड तक, यानी ईश्वर की प्राप्ति से लेकर के ब्रह्मांड तक, यानी ईश्वर प्राप्ति पर बल दिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो बोला गया है जियत खाई मुंह नहीं छाड़ा, पंक्ति के सदर में नायिका की वीर दशा का वर्णन कीजिए। तो आप जो है नायिका की वीर उसके मिलन की तड़प का यहाँ पर वर्णन लिखना है। तो आप लोग लिखेंगे कि नागमती अपने पति रतन सेन से क्या है, दूर है। वे पद्मावती से शादी करने के लिए सिंहलदीप चला गया है और वापस नहीं आया है, जो अभी तक हमने स्टोरी में समझा। स्टूडेंट इसे देखने के बाद ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा जिसे आप लोग सॉल्व ना कर पाए। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब उसकी केवल यही इच्छा है जो नागमती है कि आकर उसे एक बार मिल ले, क्योंकि उसे लगता है, यानी उसके पति के बारे में बोला है कि वो उसे आकर मिल ले कि अब वे जीवित यानी जिंदा नहीं रहेगी। वियोग के कारण यानी पिछड़ने के कारण वे बहुत जल्द मर जाएगी और उसे लगता है कि उसके ये वीरा बास पक्षी बन गया है, यानी जो उसकी मिलने की तड़प है, जो वीरे है, वो बास पक्षी बन गया है। बास तो मरने के बाद मांस खाता है, परंतु उसकी ये वीरे रूपी बास उसे जीते जी खा जाएगा। यानी वो इतनी कमज़ोर हो गई हैं, इतनी पीली पड़ गई हैं कि उनका जो मांस है वो गल गया है कि जो बास है वो उन्हें जीते जी खा जाएगा। तो ये वीरे के चरमावस्था का वर्णन है, यानी उनके मिलन की पीड़ा की सिचुएशन का वर्णन किया गया है, जिसमें मिलना क्या है, असंभव सा लग रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत ध्यान से कवर अप करेंगे। अगेन मास की विशेषता बतानी है आपको। आप याद रखेंगे अगेन महीने की बात की है कि नागमती की व्यवस्था कथा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। तो आप लोग नागमती की सिचुएशन को लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट ठीक करेंगे। तो बोला गया है कि अगेन मास में क्या होता है, दिन छोटे हो जाती हैं और जो रातें होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं। तो अगेन मास की ठंड जमाने वाली होती है। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि अगेन मास में ठंड बहुत ज़्यादा होती है, जो नागमती के हृदय को तो ये ठंड कंपा रही है, यानी उसके हृदय को वो कपकपा रही है, इतनी ठंड है। स्त्रियां पति की उपस्थिति में बनावट श्रृंगार करने में लगी रहती हैं, यानी वो सजी धजी, यानी वो श्रृंगार करने में लगी रहती हैं। तो लेकिन जो नागमती हैं वो बनाव श्रृंगार उन्हें कष्टप्रद लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनका पति उनके पास नहीं है, उसके पति जो है वो परदेश हो गए हैं। अतः
तो बोला गया है कि अब वो किसके लिए बनाव श्रृंगार करें, यानी वो अब किसके लिए तैयार हो। लोग शीत की मार से बचने के लिए स्थान स्थान पर आग जलाकर बैठे हैं, यानी इतनी सर्दी है स्टूडेंट्स कि जो लोग हैं वो अलग अलग जगह पर आग जला कर बैठे हैं, परंतु नागमती को तो ये वीर्य रूपी अग्नि अंदर ही अंदर जला रही है, जो उनकी मिलने की तड़प है वो उन्हें अंदर ही अंदर जला रही है। तो नागमती के लिए अगेन मास यानी जो महीना है अगेन है वो कुछ भी राहत नहीं देता है, क्योंकि इन दिनों में बहुत सर्दी होती है, क्योंकि बाहर कितनी भी ठंड क्यों ना हो परंतु वीरे अगेन अंदर रहकर उसे चला ही देती है, यानी नागमती की जो मिलने की जो मिलन की तड़प है वो उसे अंदर ही अंदर भस्म कर रही है, उससे अंदर ही अंदर वो जला रही है। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है कि जियत खाई मुए नहीं छाड़ा पंक्ति के संदर्भ में नायिका की वीर दशा का वर्णन करना है, तो बेसिकली नायिका के बारे में लिखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ बोला गया है कि जो नागमती का पति है वो परदेश हो गया है, तो पति की अनुपस्थिति यानी उसका पति उसके पास नहीं है उसे भयंकर लगती है। वे पति के वियोग में यानी उनसे मिलने के तड़प में जल रही है, उसे लगता है जैसे विरह रूपी बांस उसे अपना शिकार बनाने के लिए नजर गड़ाए बैठा है। तो बांस को बताया गया है कि वो उसे मार डालेगा जो उचित अवसर यानी सही मौका मिलते ही उसे नोचने लगता है, क्योंकि नागमती का क्या है सारा गोश्त गल चुका है, सिर्फ हड्डियाँ बची हैं। जब तक ये बांस उसे पूर्ण रूप से यानी जब तक जो बांस है वो उसे पूरा नहीं खा लेगा तब तक वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो भाव क्या है स्टूडेंट्स कि नागमती के लिए उसके पति से अलग होने की स्थिति क्या है, बहुत ही कष्ट प्राप्त है यानी उन्हें बहुत दुख देने वाली है कि वो अपने पति से अलग है। वे चाहकर भी स्वयं को संतावना नहीं दे पा रही है यानी वो खुद को रिलैक्स नहीं कर पा रही है, बस इस अग्नि में अकेले चल रही है कि उनका पति उनके साथ नहीं है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कि माघ महीने में वीरहिणी को क्या अनुभूति होती है कि वो क्या फील करती हैं माघ के महीने में। तो बोला गया है कि माघ के महीने में क्या होता है स्टूडेंट्स, ठंड अपने विकराल रूप में विद्यमान होती है यानी बहुत ज़्यादा ठंड होती है, चारों ओर पाला अर्थात कोहरा छाने लगता है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है। वीरहिणी के लिए ये स्थिति भी कष्टप्रद नहीं है, ये स्थिति भी कम कष्टप्रद नहीं है यानी ये सिचुएशन भी उन्हें बहुत दुख दे रही है कि चारों ओर क्या है ठंड है और पाला पड़ा हुआ है, इसमें वीरे की पीड़ा मौत के समान होती है। तो उनकी ये वीरा यानी मिलने के तड़पन को और भी ज़्यादा बढ़ा रही है और ये मौत के समान। इसी बीच इस महीने में होने वाली जो वर्षा है बारिश है उसकी व्याकुलता को और भी बढ़ा देती है। आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स जो वर्षा है बारिश है वो उनके दुख को और भी ज़्यादा बढ़ा रही है कि वर्षा में भीगी हुई नागमती के जो गीले वस्त्र होते हैं जो आभूषण जो ज्वेलरी होती है तक तीर के समान उन्हें चुभ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका पति उनके पास नहीं है, तो जब वर्षा होती है उनके वस्त्र गीले होते हैं और जो आभूषण होते हैं वो उन्हें तीर के समान चुभते हैं। तो उसे बनाव श्रृंगार तक भाता नहीं है यानी वो खुद को श्रृंगार रूप से तैयार रखना भी पसंद नहीं करती हैं, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है कि प्रियतम के वीरा में तड़पते हुए वे सूकर काटा हो गई हैं मिलने के तड़प में। तो आगे बोला गया है कि उसे ऐसा लगता है कि इस वीरा में वो इस प्रकार यानी वो मिलने के तड़प में इस प्रकार जल रही है कि उसका शरीर जो है वो राख के समान ही उड़ जाएगा, वो काफ़ी कमज़ोर हो गई है, वो बहुत पीली पड़ गई हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला गया स्टूडेंट्स कि वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढाक किस माह में गिरते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बताएंगे कि जो पेड़ों से पत्ते हैं और जो जंगल में ढाक हैं वो किस महीने में गिरते हैं, इससे वीरहिणी का क्या संबंध है, आप नायिका का संबंध भी लिखेंगे। तो बोला गया है कि फागुन मास के समय वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढाक गिरते हैं। आप याद रखेंगे कौन से महीने की बात की गई है, फागुन मास में ये सब होता है
कि पेड़ों से पत्तियां गिरती हैं और फनों से डाक। तो विरहिणी यानी नायिका के लिए ये माँ बहुत ही दुख देने वाला होता है, क्योंकि उनका पति उनके पास नहीं है। पत्तों का पीला रंग उसके शरीर की स्थिति को दर्शा रहा है कि स्टूडेंट जिस तरह जो लीव्स का जो रंग है वो पीला हो गए हैं, ठीक उसी तरह उसके शरीर की स्थिति को दर्शा रहा है कि नायिका के शरीर भी पीला पड़ गया है। जैसे अपने कार्यकाल समाप्त हो जाने पर पीले जो पत्ते हैं वो पीले रंग के हो जाते हैं, जब उनका कार्यकाल जो उनका लाइफ पीरियड है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ठीक उसी तरह नायिका को भी बताया गया है कि वैसे ही प्रियतम के वीरा में वो जल रही है, नायिका का रंग जो है वो पीला पड़ गया है। अतः फागुन मास उसे दुख को शांत करने के स्थान पर बढ़ा ही रहा है, यानी जो फागुन मास है ऐसा नहीं है कि वो उसके दुख को शांत कर रहा है, बल्कि वो उसे और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। फागुन के समाप्त होते होते क्या होता है स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे कि वृक्ष में नई कोपले तथा फूल आकर उसमें पूर्ण जान डालेंगे, यानी जब फागुन समाप्त हो जाएगा तो वृक्ष में नए नए पत्ते और फूल आएंगे, परंतु नागमती के जीवन में सुख का दोबारा आना क्या है, आगमन कब होगा, ये कहना क्या है संभव नहीं है कि जो फागुन का महीना है वो जाने के बाद पेड़ों पर पत्ते फिर आएंगे, फिर खोपले फूटेंगे, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी संभव नहीं है कि नागमती के जीवन में सुख फिर आएगा। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, फिफ्थ का फर्स्ट पॉइंट है जिसे आप बहुत ध्यान से कवर अप करेंगे। तो लिखित पंक्तियों की व्याख्या करनी है, पिया यहाँ लिखा गए है पिए सो केहूँ संध्य सड़ा ए भवरा ए काग, सो धनी बिरोहे बिर हे चारी मुई तेहे धुआ हम लाग। तो इसके अंदर क्या बोला है स्टूडेंट्स कि जो नागमती है दुखी नागमती भोरे और कौवे से क्या कहती है, अपने प्रियतम के पास संदेश ले जाने के लिए कहती है। जो भी हमने कहानी में कविता में डिस्कस किया था कि उसके अनुसार वे उसके विरह का हाल शीघ्र ही जाकर उसके प्रियतम को बताएं कि जो नायिका है उनका क्या हाल हो गया है, वो बहुत दुख है, उन्हें बहुत कष्ट हो रहा है, कि प्रियतम के वियोग में दुखी नागमती का पता प्रियतम को आवश्यक लगना चाहिए। तो नागमती का मानना है कि वो कितने ज़्यादा दुख है इसका पता उनके प्रियतम को ज़रूर यानी आवश्य पता लगना चाहिए। अतः वे उन्हें संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम दोनों वहाँ जाकर प्रियतम को यानी मेरे पति को मेरी स्थिति बताना कि मेरी क्या स्थिति है। तो आप लोग याद रखेंगे ये संदेश वो भोर और कौवे को संदेश देती हैं, ये सब उनके पति से जा कर के कहे कि तुम दोनों वहाँ जाकर प्रीतम को मेरी स्थिति बताना कि नागमती कितनी दुख है, उन्हें कितना कष्ट पहुँच रहा है, कहना कि तुम्हारी जो पत्नी है वो वीर रूपी अग्नि में जलते हुए मर गई है, यानी मिलने की तड़प में वो मर गई है, उस अग्नि से उठाने वाले काले धुएँ के कारण हमारा रंग भी काला पड़ गया है। तो नायिका कहती है कि वो जो है मिलने के तड़प में मर गई हैं, इसलिए जो राख है वो काली हो गई है और उनको उठाते समय हमारा रंग भी कैसा हो गया है, काला हो गया है। स्टूडेंट्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट है, लास्ट में दे रखा है कि लिखित पंखियों की व्याख्या करनी है, रख डरा मासू गरा हाड़ भय सब संख धीन सारस कोई ररी मुई आई समेटू पंख। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका भाव सौंदर्य क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति में नागमती जो है वो अपने प्रियतम को अपने वीरह रूपी दशा का वर्णन कर रही है कि वो मिलने की तड़प में जल रही है, मैं तुम्हारे वियोग में इतना यानी तुमसे बिछड़। तो नागमती कहती है कि मैं बिछड़ने पर इतना रोई हूँ कि मेरी आंखों से आंसू रूप सारा रक्त बनकर बह गया है, यानी जो शरीर का सारा खून है वो आंसू बनकर बह गया है, इसी तरह तड़पते हुए मेरा सारा मांस भी गल गया है। बेसिकली स्टूडेंट्स उनकी स्थिति के बारे में बताया है, उनकी वियोग स्थिति, और जो मेरी हड्डियाँ हैं वो शंख के समान कैसी हो गई है, वो ढांचे की तरह दिखाई दे रही है। वे आगे कहती हैं कि तुम्हारा नाम लेते लेते मैं सारसों की जोड़ों के समान तड़प तड़प कर मर गई।
वो अपनी स्थिति को बता रही है कि मैं तड़प तड़प कर मर गई हूँ, इस समय मैं मृत्यु के समीप हूँ, यानी मैं क्या हूँ, मृत्यु के करीब हूँ, तुम शीघ्र आकर मेरे पंखों में समेट लो। तो नागमती कह रही है कि मेरे पंखों को आकर के समेट लो। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से फिफ्थ का थर्ड है जिसमें बोला गया है कि निम्नलिखित पंक्ति की व्याख्या करनी है। तुम्हें बिनु कंता धनी हरुई तन तीनुवर भा डोल तेही पर बिरे जरई के चहे उड़ावा छोल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें स्टूडेंट्स ये 3 मार्क्स कवर अप करता है। तो बोला गया है कि प्रस्तुत पंक्ति में नागमती क्या कहती है कि प्रियतम तुम्हारे वियोग में यानी तुमसे बिछड़ करके सूकर जो मेरी स्थिति है वो तिनके के समान हो गई है, यानी मैं काफ़ी कमज़ोर हो गई हूँ, मेरा शरीर दुर्बल यानी कमज़ोर हो गया है, वो वृक्ष के समान हिलने लगता है जैसे एक सूखा पेड़। अर्थात जिस प्रकार वृक्ष जो है वो हवा के झोंके से हिलने लगता है, तो वो ऐसी अपनी कमज़ोर स्थिति को बता रही है कि जिस तरह हवा से क्या होता है पेड़ हिलने लगता है। अर्थात जिस प्रकार वृक्ष हवा के झोंके से हिलने लगता है, इसी प्रकार से कमज़ोर होने के कारण मैं हिलती जा रही हूँ, काफ़ी कमज़ोर हो गई हूँ। इस प्रकार ये वीरग्नि मुझे राग बनाने का व्यर्घ है, यानी जो मिलने की तड़प है मैं उसमें बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, राग बनने को हूँ तथा मेरे तन की राग को भी उड़ा दिए जा रहे हैं। तो अपने तन की अपने मन की राग को कह रही हैं कि वो भी उड़ा दिए जा रहे हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा। एंड देन लास्ट वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप सॉल्व करके दिखाएंगे। इसमें बोला गया है ये तन चारू चार के कहो कि पवन उड़ाऊँ मुगे ते ही मार्ग होई परो कंधरे जहाँ पाऊँ। स्टूडेंट्स ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग इसे खुद से समझेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फुल चैप्टर, इसका लेखक परिचय, चैप्टर की समरी प्लस साप्रसंग व्याख्या और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर समझाऊंगी, पार्ट 9 विद्यापति। थैंक्स फॉर वॉचिंग।